ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन, जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्मे शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिरे अमलियात हैं। दुनिया भर के हज़ारों लोग उनसे अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके ज़िंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, अफसर लीडर और मिनिस्टर हर किरदार बिकाऊ है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, आपके लिए नहीं आए, ये दिल्ली वालों के लिए है। अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, अफसर लीडर और मिनिस्टर हर किरदार बिकाऊ है, और झगड़े दंगे खून खराबे सब बिकते हैं संसद में। दौलत देकर कुछ भी ले लो, ये सरकार बिकाऊ है। बहुत अच्छे। अरे भाई नहीं, बहुत अच्छे काबिल साहब, देखिए कितना अच्छा मौका था। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी। मैं आप लोगों का एहसान कभी अदा नहीं कर सकता। मुझ जैसे नाहेल को आपने इस लायक समझा, समाज की जगह दोस्तों, कि अंधे बहरों की नगरी का जिम्मेदार बिकाऊ है, अफसर लीडर और मिनिस्टर हर किरदार बिकाऊ है, झगड़े दंगे खून खराबे सब बिकते हैं संसद में, दौलत देकर कुछ भी ले लो, ये सरकार बिकाऊ है। बहुत। और दोस्तों अभी आप लोग पिछले 8-9 महीने से देख रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे जोकर कहां कहां से निकल कर आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने कुछ कहने की कोशिश किया समाज की जगह दोस्तों, कि घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, वो जिम्मेदार बन के हुकूमत में आ गए। घर का निजाम चल न सका जिनसे आज तक, वो जिम्मेदार बन के हुकूमत में आ गए। जितने शरीफ लोग हैं गोशा नचीन हैं, लुच्चे लफंगे लोग सियासत में आ गए। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे काबिल साहब, क्या कहने। वाह वाह, ये मैं हाजिर करता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे। घर का निजाम चल ना सका जिनसे आज तक, वो जिम्मेदार बन के हुकूमत में आ गए। और जितने शरीफ लोग हैं गोशा नचीन हैं, लुच्चे लफंगे लोग सियासत में आ गए। दोस्तों एक मतलब और एक दो शेर, इसके बाद आपको एक नज्म हाजिर करूंगा मैं। आप लोगों का मुझे हुक्म हुआ है समाज का, कि लुच्चे लफंगे लोग सियासत में आ गए, सच के घर में झूठ का डेरा। क्या मतलब, सच के घर में झूठ का डेरा, क्या मतलब, क्या मतलब?
खादी में है आज लुटेरा, क्या मतलब? सच के घर में झूठ का डेरा, क्या मतलब? खादी में है आज लुटेरा, क्या मतलब? और हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था। दोस्तों, आजादी से पहले का हिंदुस्तान और आज का हिंदुस्तान, हमारे हिंदू भाई और हम लोग, समाप्त कीजिएगा। रेड्डी साहब समाप्त कीजिएगा। देखिए, सच के घर में झूठ का डेरा, क्या मतलब? खादी में है आज लुटेरा, क्या मतलब? हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था, हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था, फलाते ही तेरा मेरा, क्या मतलब? हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था, फलाते ही तेरा मेरा, क्या मतलब? और चेहरों पर सूरज की लाली रखते हो। देखिए आखिर तक तवज्जो चाहता हूं। चेहरे पर सूरज की लाली रखते हो, रूहों में घनघोर अंधेरा, क्या मतलब? दोस्तों, एक नज्म हाजिर करता हूँ, इससे पहले भी आप लोगों ने सुनी है, मुझे हुक्म आया उस नज्म का। अब आसिम आजमी साहब, एक नज्म कहने की कोशिश की है मैंने, आपने शायद नहीं सुनी होगी। नज्म का उन्वान है मेमोरी का हूँ। पूरी दुनिया में जो हालात है, मैंने उसको खुद अमरीका कहकर नज्म कहने की कोशिश की। बात कीजिएगा दोस्तों। जी, मैं हाजिर करता हूँ, और जैसे आप पहली बार सुन रहे हो, समाप्त कीजिएगा दोस्तों। बेजमीरों की सफों में सबसे ताकतवर हूं मैं, ये तारुफ कम नहीं, फितनों का सौदागर हूं मैं। एक तरफ है मेरी बस्ती और समंदर पार है, खून रेजी कत्लो गारत मेरा कारोबार है। तबसरों में यूं तो मैं इंसान की औलाद हूं, राहे फितरत पे मगर शैतान का उस्ताद हूं। मेरा गीदड़ शेर की धमकी से डर सकता नहीं, वो हुनर मैंने किए शैतान कर सकता नहीं। आज यूएनओ पे मेरी दहशतों का राज है, गुंडागर्दी का फकत मेरे ही सर पे ताज है। आग दुनिया में लगे मेरा वतन हो पुरसुकून, इसलिए इंसानियत का रोज मैं करता हूँ खून। है पुजारी ऐश के जो उनका मैं भगवान हूँ, बेकरसों के वास्ते बारूद का तूफान हूँ। रैबरों के भेस में सब है मेरे अदना गुलाम, जो चलाए देश का मेरे इशारों पर निजाम। और पारसा जिनको जमाना कह रहा है खासो आम, बादशाह के लिए मैंने चुने वही गुलाम। जिनका शेवा ऐशो मस्ती सागरों मीना की प्यास, खामशी जिनका मुकद्दर, बुजदिली जिनका लिबास, मजहबी कानून जिनका अपने घर में कैद है, इल्म जिनका कांच के दीवार दर में कैद है। वो अगर चाहे मिटा दे मेरी नस्लों के चिराग, साफ कर दे यूं मुझे जैसे मिटे कपड़ों से दाग। वो अगर चाहे करे मेरे भ्रम को चूर चूर। जी, मैं हाजिर करता हूँ दोस्तों। वो अगर चाहे करे मेरे भ्रम को चूर चूर, इसलिए कश्मीर। जी, मैं हाजिर करता हूँ, शायद कहीं से भूल गया मैं। वो अगर चाहे करे मेरे भ्रम को चूर चूर, आज यूएनओ पे मेरी दहशतों का राज है, गुंडागर्दी का फकत मेरे ही सर पे ताज है। वो गुंडागर्दी का फकत मेरे ही सर पे ताज है। आग दुनिया में लगे मेरा वतन हो पुरसुकून, इसलिए इंसानियत का रोज मैं करता हूँ खून। है पुजारी ऐश के जो उनका मैं भगवान हूँ, बेकसों के वास्ते बारूद का तूफान हूँ। रहबरों के भेस में सब है मेरे अदना गुलाम, जो चलाए देश का मेरे इशारों पर निजाम। और पारसा जिनको जमाना कह रहा है खासो आम, बादशाह के लिए मैंने चुने वही गुलाम। जिनका शेवा ऐशो मस्ती सागर और मीना की प्यास, खामशी जिनका मुकद्दर, बुजदिली जिनका लिबास, मजहबी कानून जिनका अपने घर में कैद है, इल्म जिनका कांच की दीवारों दर में कैद है। वो अगर चाहे मिटा दे मेरे नस्लों के चिराग, साफ कर दे यूं मुझे जैसे मिटे कपड़ों से दाग। हक उन्हें हासिल है ये भी तोड़ दे मेरा गुरूर, वो अगर चाहे करे मेरे भ्रम को चूर चूर। अकल पे गफलत का पर्दा डालकर खामोश है, ऐशो मस्ती के चमन में इस कदर मदहोश है। याद भी इनको नहीं मिल्लत के मिटने का हिसाब, किस तरह पैदा करेंगे जिंदगी में इनकलाब। और कुछ भी कह सकते नहीं मजलूम के सुनकर पुकार, शाह बनकर भी हुए मेरे गुलामों में शुमार। मजहब और मिल्लत की जंगे मेरी फितरत का सबब, जो बने मेरा मुखालिफ उस पर ढाता हूँ गजब। देख लेता हूँ जिसे अपने वतन में खुश ख्याल, डालता हूँ उसके सर पे साजिशों का ऐसा जाल। मैं लगा दू उसके घर पे वो तबाही की सलीब, ढूंढता है वो हिफाजत के ठिकाने बद नसीब। और नस्ल अफगानी का मुझको खौफ रहता है सदा, ढूंढता हूँ इसलिए इनको मिटाने का सिरा। ये भी खतरा है मुझे बगदाद के पैगाम से, आशना है वो मुजाहिद करबला के नाम से। आशना है वो मुजाहिद करबला के नाम से, और इसलिए रखा है इसराइल के सर पर भी हाथ, जो फलस्तीनी है दे पाए ना कोई उनका साथ। आज बच्चा बच्चा दुश्मन है जो पाकिस्तान का, हाल ऐसा कर दिया है मैंने हिंदुस्तान का। मेरी कोशिश है रहे इनके आपस में इख्तलाफ, कर ना पाए दोनों साजिश मेरी ताकत के खिलाफ।
ये अगर चाहे मिटा देंगे मेरी नस्लों के चिराग, साफ कर देंगे यूं मुझे जैसे मिटे कपड़ों से दाग। यहाँ इसलिए कश्मीर का झगड़ा मेरी बुनियाद है, दोनों ही देशों की हालत इसलिए बर्बाद है। इसलिए कश्मीर का झगड़ा मेरी बुनियाद है, दोनों ही देशों की हालत इसलिए बर्बाद है। और आखिर में समाज कीजिएगा दोस्तों, सोचता हूँ ये ड्रामा यूं चलेगा कब तलक, ये जमी बेताब है मेरे मिटाने को फलक। अमन की भी इसलिए ही गुफ्तगू करता हूँ मैं, सब डरे रहते हैं मुझसे एक सब डरता हूँ मैं, जिनके दिल में शरीयत होंठों पर इस्लाम है, लग रहा है उनके हाथों में मेरा अंजाम है, छीन लेंगे मुझसे मेरा एक दिन वो इस्तेदार, जिनके घोड़े कर गए सर फिरे दरिया को पार, जिनके शहदाई सदा रहते हैं उन पर जानिसार, नाम सुनकर डर रहे हैं जिनका बातिल ताजदार, खाक में मेरे तकबर को मिला देंगे वही, मुख्तसर यह रजा मुझको मिटा देंगे वही। हाँ दोस्तों, ये थे जनाबे काशिफ रजा साहब, जो बहुत कामयाब शायर अमेरिका का जिक्र कर रहे थे। मुझे वाकया याद आ गया कि एक बार अमेरिका के सदर ओबामा और पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ जहाज में सफर कर रहे थे, तो अमेरिका के सदर ने कहा कि अगर मैं 18 लाख डॉलर गिरा दूं तो 18 लाख लोग खुश हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं 1 करोड़ डॉलर गिरा दूं तो 1 करोड़ लोग खुश हो जाएंगे, अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो 2 करोड़ लोग खुश हो जाएंगे। अफगानी पठान पायलट था, वो सुन रहा था, कहा अगर मैं जहाज ही गिरा दूं तो पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। तो ये थे जनाबे काविज साहब, बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस माहौल को आगे बढ़ाया। अब इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब गैबी जौनपुरी साहब ने। हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के छोटा मैदान में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। बज़्म शाहीन बेंगलुरु के चेयरमैन हैं अलहाज बाबा जी, जो इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ आमिल व कामिल माहिर अमलियात हैं, देश विदेश के हज़ारों लोग उनसे अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं। आप भी बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुशायरे की सदारत की शेरे हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने, जो सूबाई सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की सरपरस्ती की कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब ने। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभालकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इज्जत माप जनाब आर रोशन बेग साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना भरपूर ताउन दिया। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी ने हमें बताया कि वो इज्जत माब आली जनाब मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा और साथ ही इस मुशायरे को अपना भरपूर ताउन दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये मुशायरा अमल में नहीं आता। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब BHS खान साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सैयद अहमद साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सवेरा असलम साहब का। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं कॉरपोरेटर जनाब गुनहा शेखर साहब का, शुक्रगुजार हैं कॉरपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब के। इन सब हजरात ने इस मुशायरे को मुनक्किद करने में अपना भरपूर ताउन दिया। तो यह है कर्नाटका की विधानसभा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में। कल रात आपने सुना बेंगलुरु शहर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा।
ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.musharalive.com। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/mehfil.mushaira। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका बेंगलुरु से।